हाय गाइस, मैं हूं गौरव मंडल और आप देख रहे हैं मेरे साथ देश ऑनलाइन। क्या आप सभी लोग ये जानते हैं कि दुनिया में नौकरी के पीछे हर कोई भागता है। आप भी और मैं भी नौकरी के पीछे ज़रूर भागे होंगे। कभी ना कभी हमने कोई ना कोई एग्ज़ाम दिया होगा या कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करी होगी कि जिससे हमारा जो करियर है वो सेट हो सके। और ऐसे ही क्या आप लोग ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी नौकरी है जिसमें सिर्फ केवल 112 लोग ही काम करते हैं। जी हाँ, सिर्फ उस जो प्रोफेशन है उसमें केवल 112 लोग काम करते हैं पूरी दुनिया में। और वो प्रोफेशन शायद आप लोग भी जब सुनेंगे तो उसके बारे में आप सोचेंगे कि शायद ये भी क्या प्रोफेशन होता है। जी हाँ, वो भी एक तरीके का प्रोफेशन है। अभी उस प्रोफेशन में इतनी डिमांड नहीं है, अभी से पूरी दुनिया में 112 लोग ही उस प्रोफेशन में काम करते हैं। पर आगे आने वाले 5-10 सालों बाद उस प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। तो चलिए आइए इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वो कौन सा एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें केवल 112 लोग ही काम करते हैं। वैसे देखा जाए तो एक ऐसा ज़माना भी था जब नौकरियों के लिए कुछ गिने चुने क्षेत्र ही थे, लेकिन जिसमें लोग अपना करियर बनाने के बारे में ज़्यादा सोचते थे। लेकिन आज के ज़माने की कंडीशन बदल चुकी है, लोगों की माइंडसेट बदल चुका है और कई नौकरियों के क्षेत्रों में भी बदलाव आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि ऐसा एक प्रोफेशन है जिसमें दुनिया में सिर्फ 112 लोग ही काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये प्रोफेशन है पानी टेस्टिंग का। जिस तरह खाना टेस्टिंग और माइक टेस्टिंग होता है, उसी तरह पानी टेस्टिंग का भी प्रोफेशन सामने आया है। आपको बता दें कि ये पानी के टेस्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं। आपको बता दें कि द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश भारत में इस प्रोफेशन में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम गणेश आर्य है। आपको बता दें कि ये एक ऐसे इकलौते सर्टिफाइड वाटर टेस्टर है जो गणेश ने जब बताया इसके बारे में उनकी रिपोर्ट में, तो उन्होंने बताया कि आने वाले 5-10 सालों में पानी टेस्टिंग के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। अगर बात करें कि वाटर टेस्टर या वाटर को टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, तो दोस्तों वाटर टेस्टर का काम होता है कि उसे जो वाटर प्योरिफिकेशन कंपनीज होती है, जो पानी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, ये उन कंपनीज़ में होते हैं। इनका काम ये होता है कि जो कंपनी वाटर मैन्युफैक्चर कर रही है, इन्हें वो पी के देखना है। और इनका काम होता है कि ये बताना कि उस वाटर में क्या कोई कमी है, क्या वो पानी पीने लायक है कि नहीं। इनकी जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, या आप कह सकते हैं जुबान के ऊपर, जो हमारी जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये ऐसे लोग, ऐसी जो काम है वाटर टेस्टिंग के, ये काफ़ी बखूबी तरीके से कर सकते हैं। इनका काम सिंपल सा है, इनको वाटर से पीना होता है, पानी से पी के देखना होता है, और इनको अपने तरीके से उस पानी को एक रैंक देनी पड़ती है। उस रैंक के अनुसार उस पानी का एक तरीके से इंडेक्स बनाया जाता है, और उसके बाद फाइनल बैच को परमिशन दी जाती है कि वो मार्केट में उतर जाए। और यही काम होता है वाटर टेस्टिंग का। और वाटर टेस्टिंग कई अलग अलग तरीक़ों से होती है। इन्हें कई बार सिर्फ एक सिप पीनी पड़ती है और कई बार एक गिलास पानी पीना पड़ता है। ये सब डिपेंड करता है वाटर मैन्युफैक्चर कंपनी के ऊपर। तो ये है ऐसा एक प्रोफेशन जिसमें केवल 112 लोग ही काम करते हैं। और ये जानकर आप भी ज़रूर चौंक गए होंगे। तो ये था एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। तो जैसा कि आपने देखा कि वाटर टेस्टर, जी हाँ वाटर टेस्टर, वो ही एक प्रोफेशन है जिसमें पूरी दुनिया में अब तक केवल 112 लोग काम करते हैं, जिसमें वो वाटर को टेस्ट करते हैं कि वाटर का जो पैमाना है क्या वो पीने लायक है या नहीं। ये एक प्रोफेशन है जिसमें पूरी दुनिया में 112 लोग काम करते हैं। और शायद भारतवासियों के लिए भी एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि भारत का भी एक वाटर टेस्टर है, सर्टिफाइड वाटर टेस्टर जो भारत का है, जिनका नाम गणेश है, वो भी इसी में काम करते हैं। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट लेके मैं आपके लिए आता रहूंगा। देखते रहिए हमारे साथ हमारे चैनल देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।